इस वीडियो में बात करेंगे अपने लाइव विनिंग प्रूफ की। तो आप सभी को पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे करोड़ों के लाइव विनिंग प्रूफ डाले हैं, और आप सभी ने अभी तक नहीं देखा है तो myteam11.com पे जाना, वहाँ आपको दिखेगा कि 7 करोड़ से ज़्यादा हमने वहाँ पे विन किए हैं। इसके अलावा ड्रीम इलेवन की बात करूँ तो 4 करोड़ से ज़्यादा यहाँ भी हमने विन किए हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ससेक्स और हेम्पशायर के बीच में ये मुकाबला था। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जिस भी मैच में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं उसको हम लोग एडवांस में टेलीग्राम पे बता देते हैं कि हम लोग इस मैच में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप सभी को पता है कि ये मैच सैटरडे को हुआ था, वीकेंड का दिन था, और हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं क्योंकि हम लोग को जब तक मैच देखने का टाइम नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर 15 लीग ज्वाइन की थी, जिसमें से 11 लीग हमने विन की। अल्ट्रा क्लीनशिप बहुत सारी लीग्स में हुआ, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस है, इसके बारे में ही मैं बात करूँगा। साथ ही साथ आप लोगों के मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि हमने इसके पहले के मैचेस के लाइव विनिंग प्रूफ क्यों नहीं शेयर किए अभी रिसेंटली, हफ्ता 10 दिन की अगर मैं बात करूँ, 7 से 10 दिन के अंदर में। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग अपनी विनिंग या लॉस जो भी होता है वो हम लोग शेयर करते हैं, और ऑलमोस्ट सभी 99% मैचेज में हम लोग विन करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दिख रहा है नीदरलैंड और आयरलैंड वाला मैच, यहाँ पे टीम आपको दिख रही है, लीग हमने यहाँ ज्वाइन नहीं की थी इसलिए हमने इसकी विनिंग शेयर नहीं की, अपने मेंबर्स की विनिंग हमने शेयर की थी, जिसमें कि जैकपॉट मैच में हमारे मेंबर्स ने काफ़ी अच्छा विन किया था। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था तो हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उस केस में। CP और SS के बीच में भी क्लीन स्विप किया था। स्पाइस T10 की बात करें तो मैक्सिमम मैचेज में हमने क्लीन स्विप किया लेकिन हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ भी लीग हमने ज्वाइन नहीं की, यहाँ पे इसकी विनिंग हमने शेयर नहीं की थी बिकॉज हमने ऐसे ही इसमें ज्वाइन कर दिया था लीग, जिसमें कि आप देख सकते हो हमने 2 कॉन्टेस्ट यहाँ पे ज्वाइन किए थे, जिसमें आप देख सकते हो कि 899 रुपये का ये कॉन्टेस्ट था जिसमें कि हमने यहाँ पे विन किया था, और यहाँ पे एक लीग हमने विन नहीं की थी। यानी आप दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर 9514 यानी 1424 अमाउंट लगा करके हमने 3275 विन किया था, यानी इसमें भी हमको प्रॉफिट ही हुआ था लेकिन हमने शेयर नहीं किया था। इतना छोटा अमाउंट हम लोग क्या शेयर करें। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी हमने विनिंग शेयर नहीं की अपनी, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया था, हमारे मेंबर्स ने इन्वेस्टमेंट किया था, जिनको कि हमने क्लीन स्वीप कराया था उनकी विनिंग हमने शेयर की थी। सेम यहाँ पर आगे आप देखते जाओगे तो हमने यहाँ पर NWCC, CPGG, NWBLB, यहाँ पर फिर इसके बाद T20 ब्लास्ट स्टार्ट हो गया था, इसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। PSL स्टार्ट हो गया था उसी दिन, इसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पाइस T10 का ये मुकाबला था इसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। इसके अलावा कैंट और हेम्पशायर वाले में भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। PSL के आगे आने वाले इस मैच में MUL, मुल्तान और कराची में भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, केवल टीम आपको दिख रही है। SS और NW के बीच में जो स्पाइस T10 के नॉकआउट मुकाबले स्टार्ट हुए थे उसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। ग्लैमॉर्गन और ग्लूसेस्टर शायर में भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। लंका शायर और लिसेस्टर शायर में भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। पेशावर जालमी और लाहौर कलंदन में भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, लेकिन हमने सभी मैचेस किए जिसमें भी हमने अपने मेंबर्स को बोला था हाई इन्वेस्टमेंट करने, उसमें उन्होंने विन किया, हमने इसकी विनिंग टेलीग्राम पर डाली होगी। कुछ मैचेस के मिस हो जाते हैं कई बार टाइम की कमी की वजह से, या किसी एक मैच जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसकी विनिंग शेयर कर दी जाती है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला भी स्पाइस T10 में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। इसके अलावा इसमें SS और GG के बीच में जो था उसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। NWCP में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। इस्लामाबाद और क्वेटा ग्लैडिएटर में भी इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया था। फिर ग्लूसेस्टर शायर और ससेक्स में भी नहीं किया था। ESS और हेम्पशायर में भी नहीं किया था। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पर ESS और हेम्पशायर में भी नहीं किया था, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। क्वेटा और पेशावर में भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, कितने सारे 12 से 15 मैचेज में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने आज जाकर के इन्वेस्टमेंट किया था और इसके बारे में हमने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था। तो हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको पता है हम विन कर सकते हैं। एक बात जो हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं कि लिमिट में इन्वेस्टमेंट करना। हमने इसमें लगभग 50,000 इन्वेस्टमेंट किया था। हमारे पास पैसे वाली प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हम लोग को जो पैसा है अपने प्रोफेशन से काफ़ी अच्छा पैसा आता है, CA प्रोफेशन से काफ़ी अच्छा पैसा आता है। हम लोग ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड है, फाइनेंशियली फ्री हैं, हम लोग चाहे तो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक मैच में, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हमको पता है कि 99% इस मैच में हम लोग विन करेंगे, फिर भी हम लोग नहीं करते हैं।
बिकॉज हम लोग इसको जुए की तरह नहीं खेलते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि 200 लीग ज्वाइन कर रहे हैं, 400 लीग ज्वाइन कर रहे हैं, 500 लीग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो एक मैच में विन करेंगे, दो में विन करेंगे, बाकी में उनको लॉस होगा। उनकी लाइफ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, वो लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाएंगे, अपने अदर काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। जब आप 500 लीग, 200 लीग, 300 लीग लगा करके अगर आप मैच खेलते हो तो आपका ध्यान उसी पे रहेगा। आप बात समझ रहे हो? तो इसको जुआ अगर आपको बनाना है, सट्टा आपको बनाना है, तो फिर आप वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा लिमिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमको किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी से हमको ये नहीं चाहिए, अप्रिसिएशन नहीं चाहिए कि इसने इतना 16 लाख, 20 लाख, 50 लाख विन कर लिया तो हम लोग भी उतना विन करके एक मैच में दिखाएं। हमको किसी को दिखाना नहीं है। आपने हमारी करोड़ों की विनिंग देखी होगी। MyTeam11.com पे जाकर के आप अंकुर अग्रवाल का नाम देख सकते हो। ड्रीम इलेवन के बहुत सारे लाइव विनिंग प्रूफ के वीडियो हमने डाले हैं, इस चैनल पे डाले हैं, पुराने चैनल पे जो ड्रीम इलेवन IPL सागा फ्लैशबैक के नाम से है, वहाँ जाकर के भी करोड़ों के लाइव विनिंग प्रूफ आप वहाँ पे देख सकते हो। IPL का तो अभी 50 लाख, 60 लाख से ऊपर का हमने जो विन किया था कुछ ही मैचेज में, वो तो अभी शेयर करना बाकी ही है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की बात करो तो यहाँ पे देख सकते हो। हमने आज इन्फॉर्म किया था कितने बजे, यहाँ पे देखो, वी विल ऑल्सो इन्वेस्ट टू नाइट इन T20 ब्लास्ट ससेक्स और हेम्पशायर, इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमने बताया इसके पहले, आप देख सकते हो, मैंने किसी मैच में नहीं बोला था कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन इसमें हमने काफ़ी दिनों के बाद हमने इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग बीच बीच में आपको गाइड करते रहते हैं कि आप लोग को ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है जो कि 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जितना भी आपको विनिंग शेयर करते हैं, क्योंकि आप उनको देख करके इन्वेस्टमेंट करते हो। और उन लोगों ने जो विन किया, उन्होंने केवल विनिंग आपको दिखाई, इसके पहले उन्होंने 10 मैच, 20 मैच हारे भी होंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि ग्रैंड लीग की टीम से स्मॉल लीग खेलते हैं, आप उनसे काफ़ी प्रभावित हो जाते होंगे उनके विनिंग को देख करके, उनके पॉइंट्स को देख करके कि हाँ इसमें 150 पॉइंट का डिफरेंस है, 200 पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन आप टीम तो देखो उनकी। मैं आपको एक ही बात हमेशा कहता हूँ, जैसे कुछ लोगों का हमारे पास मैसेज भी कई बार आ जाता है कि ये देखिए सर, आपसे अच्छी टीम इसने बनाई है और इसका पॉइंट आपसे 100 पॉइंट ज़्यादा है, 150 पॉइंट ज़्यादा है। या तो हम लोग की तरफ से रिप्लाई नहीं जाता, या कभी हमको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन पर्सन है, तो हम उनको उसको ये ही बोलते हैं उस केस में कि टीम अच्छी नहीं है, भले ही उसका 150 पॉइंट ज़्यादा है, 200 पॉइंट हमसे ज़्यादा है, लेकिन उसने जो टीम बनाई है वो सही नहीं बनाई है। बिकॉज देखो, एक चीज़ हम लोग हमेशा मान के चलते हैं कि टीम बनाने का तरीका हम लोग हारने के बाद भी चेंज नहीं करते हैं। जिसके बदौलत हमने 7 करोड़ से ज़्यादा विन किया, वो तो एक साल पहले की विनिंग है। हमने 10 करोड़ से ज़्यादा विन किया है MyTeam11 में, तो जिस बेस पे हमने विन किया वो हम चेंज नहीं करते हैं। हमको ग्रैंड लीग की टीम स्मॉल लीग में नहीं लगानी है, उससे हम 10 में से 1 या 2 मैच विन करेंगे। मेरे को पता है कि उस मैच में जो विन करेंगे वो कहीं ज़्यादा विनिंग होगी, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ों से आप बच के रहना, जो आपको बड़ी विनिंग शेयर करते हैं 200-500 कॉन्टेस्ट, उनसे बच के रहना। देखो, हम लोगों ने हमेशा आपको टिप्स वाले वीडियो में बताया है, लिमिट का ध्यान रखना, यूनिफॉर्मिटी बनाकर चलना, एक मैच से ही सारे पैसे रिकवर करने की, और एक मैच से ही आपको करोड़पति अरबपति बनना है तो फैंटेसी गेम आपके लिए नहीं है। आप एक दिन आपके साथ गलत होगा और सारा पैसा आपका चला जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फैंटेसी गेम को एक गेम की तरह खेलो, गेम ऑफ स्किल है, अपने स्किल का यूज करो, इन्वेस्टमेंट लिमिट पे करो। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे हमारे मेंबर भी हैं जिन्होंने हमसे मेंबरशिप ली थी, लेकिन हमारी बात को उन्होंने तवज्जो नहीं दिया और उन्होंने लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने हमको देख के भी नहीं सीखा कि हम लोग 3 लीग ज्वाइन कर रहे हैं, 4 लीग ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग लॉस में हैं। 50,000 रुपये हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। हमने 7 लीग 2,999 वाली, 3,850 वाली 7 लीग, 1,799 वाली 1 लीग हमने ज्वाइन की थी। लगभग 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, 1,06,000 हमारी विनिंग हुई, 56,258 का यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लीग, 12 नहीं 11 होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 लीग हमने विन की। रैंडमली मैं एक एक दो ठो ओपन करके दिखा रहे, तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस है। इसमें भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा 100 से ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस है। तो पॉइंट के डिफरेंस से कुछ नहीं होता है, विनिंग तो विनिंग होती है। यहाँ पे देख सकते हो, इसके बाद इसको भी मैं दिखा देता हूँ। 11 लीग आपको दिखानी, मैं 11 ही लीग ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पांचवी लीग मैं आपको दिखा रहा हूँ, लीग नंबर 6 आप देख लो, लीग नंबर 7 देख लो आप, लीग नंबर 8 आप देख लो, लीग नंबर 9 आप देख लो, लीग नंबर 10 आप देख लो, एक लीग और दिखानी है, लीग नंबर 11 आप देख लो। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे विन किया। टीम की बात करो, टीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कॉम्बिनेशन की वजह से ए लैनहम विलियम बियर बहुत कम लोगों ने लिया था, हमने आसानी से इनकी वजह से विन किया। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो जिस भी लीग में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करते हैं, बशर्ते कि विनिंग लगभग 1 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। छोटी विनिंग होगी 10-20 हज़ार 30 हज़ार, तो हमने स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे अपने। मैंने आपको एक टिप्स के वीडियोज आपको बना करके दिए हैं, 11 रूल्स वाले वीडियो बना करके दिए अपने पुराने चैनल पे, एक 7 रूल्स बना करके दिए, यानी जो 18 रूल्स हमने बताए हैं वो आप लोग अगर फॉलो कर लोगे तो आपको फैंटेसी गेम में क्या अपनी लाइफ में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, और हार कभी होती भी है तो आप उससे जल्दी संभल जाओगे और कुछ सीखोगे। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि एजुकेशन, अगर आपने अच्छी तरीके से एजुकेशन ली है, आप लिटरेट हो, तो आप कभी भी गलतियाँ नहीं करोगे, कभी भी किसी को एब्यूज नहीं करोगे, कभी भी किसी को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करोगे, कभी भी किसी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं करोगे। हमारे पास अगर 1000 मेंबर्स आते हैं उसमें से विन वही कर पाते हैं जो हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं, जो हमको फॉलो करते हैं, हमारे वीडियोज को फॉलो करते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उसमें जो समय समय पर टिप्स बताई जाती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विन कोई भी कर सकता है, लेकिन पैसा आपने क्या अपने ऊपर खर्च किया ये मायने रखता है। आपने 10 में से मान लो 6 मैच भी आपने विन कर लिया, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको लगता है कि बिना देखे भी अगर आप टीम बनाओगे तो आप विन कर जाओगे, तो वो जो नंबर 7 वाला जो मैच हुआ उसमें आपने सारा पैसा लगा दिया और सारा पैसा आप हार गए। तो हम लोग ये ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं, फैंटेसी गेम की बात हो, अपनी लाइफ की बात हो, अपने करियर की बात हो, सब कुछ हम लोग मैनेज करके चलते हैं, सबको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। और प्राइम और पेड मेंबर की बात करूँ तो पेड मेंबर्स का हम लोग पेशेंस देखते हैं, उनका टैलेंट देखते हैं कि कितना स्मार्ट वर्क वो कर सकते हैं, कितना उनके अंदर पेशेंस है, फिर उसके बाद हम लोग उनको प्राइम मेंबर में कन्वर्ट करते हैं। पेड और प्राइम मेंबर का प्राइस अलग अलग नहीं होता है, चार्ज वही होता है, लेकिन प्राइम मेंबर कुछ ही लोग बन पाते हैं, और जो लोग एक बार बन जाते हैं उसके बाद उनको फैंटेसी गेम में कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि वो सागा फ्लैशबैक के प्राइम मेंबर है। तो प्राइम मेंबर बनना बहुत बड़ी बात है सागा फ्लैशबैक का, बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पूरे आगे का क्या हमको करियर उनका जो है डिजाइन करना है, किस तरीके से फैंटेसी के करियर में उनको आगे लेकर के जाना है, वो सब हम डिसाइड करते हैं, फिर वो हमारे प्राइम मेंबर हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत कुछ आपको पेशेंस, डिसिप्लिन, सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे मेंबर का हम लोग जवाब भी नहीं दे पाते हैं, हम लोगों का पेशेंस देखते हैं कि आपने अगर गलत किया, आपने गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, तो हम लोग उसको देखते हैं कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, आप चीज़ों को कितना समझते हो। लेकिन जो लोग पेशेंस खो देते हैं उनको फिर हम लोग हमेशा के लिए उनका नंबर अनरजिस्टर्ड कर देते हैं, और वो हमसे मेंबरशिप ले चाहे ना ले, वो फैंटेसी करियर उनका वहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो बंदा हमारे पास नहीं टिक पाया, जो बंदा हमसे मेंबरशिप लेने के बाद भी विन नहीं कर पाया, वो फिर किसी से भी मेंबरशिप ले, खुद से टीम बनाए, कुछ मैचेस में विन करेगा, लेकिन वो उसका फैंटेसी करियर वहीं पे ख़त्म हो जाता है।
यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेंबरशिप की अगर मैं बात बताऊँ, केवल एकमात्र हमारा नंबर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो नंबर मिल जाएगा, 9140233474। इसके अलावा और कोई भी हमारा नंबर नहीं है। एक मैच, दो मैच, तीन मैच, दस मैच की टीम हम लोग नहीं देते। पूरी सीरीज का पैकेज IPL है, T20 ब्लास्ट है, इसके अलावा PSL है। इसके अलावा हमारा एक मंथली पैकेज जिसमें PSL, IPL, T20 ब्लास्ट कवर नहीं होता है, उसमें T10 और जो मिसलेनियस मैचेज है जैसे ढाका T20 या जो भी हमको प्रॉफिटेबल लगेगा सीरीज पैक के अलावा, वो हम उसमें ऐड करके आपको देते हैं, वो इंक्लूड होता है उसमें। आई होप कि मैंने सारी बातें आपको बता दी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट अंकुर संकुरी साइनिंग आउट। बाय।